ठीक है, बट टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर इंक्लूड पॉजिटिव नेगेटिव ऑल, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल. तो टुडेज डेट इज 29 आई बिलीव, यस 29 अक्टूबर. सो हियर लेट्स स्टार्ट, व्हाई व्हाट द नंबर लाइन शोइंग एंड हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर लाइन. सो देखो जिस तरीके से फ्रैक्शन होता है, व्हाट डिड आई टोल्ड यू कि दैट फ्रैक्शन से ही रेशनल नंबर आया, ठीक है. तो हम लोग बार बार फ्रैक्शन को इससे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज यू नो दैट जनरली जो नॉर्मल नंबर्स है लाइक 1, 2, 3, 4, ये भी रेशनल नंबर होते हैं. तो इनको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे इट इज वेरी इजी, ठीक है. 1 कहाँ पर होता है, 2 कहाँ पर होता है, एवरीबडी नोज. नाउ इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट 0.5, 0.3, 0.8 और 0.375 या 3.1, 3.2, ये भी बहुत इजी है, ठीक है. ये आप लोग पढ़ चुके हो, देन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. हाउ टू रिप्रेजेंट 3.7 सपोज, है ना, या 3.75. You know that if you are having the number line in between 0, it will give you 1, it will give you 2, it will give you 3, it will give you 4. So 3 or 4 ke beech mein you will get somewhere 3.7 here, hai na? So is tarike se ye wale numbers aate hi nahi hai represent karne ke liye, theek hai? Because the process becomes very easy, kyunki aapne class 6 mein padha hai. Generally the fraction part always comes, theek hai? The fraction part always comes. So if it comes to represent the fractional part, which is in the form of rational number, if it comes, then how to represent it? सबसे पहले I'm taking the example like 5/7 और एक लेते हैं -5/7, ठीक है. I am telling you in both the form, positive and negative as well, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो हम लोग दोनों ही कंडीशन पे लेकर चलते हैं. सो नाउ सबसे पहले एवरीवन नोज दैट 5/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो प्रोसेस वही रहेगी एकदम एग्जैक्ट. सबसे पहले वी विल ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है. सबसे फर्स्ट वी विल ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आफ्टर ड्रॉइंग नंबर लाइन we will put zero in between, kar liya. Now we will check what is the denominator. What is the denominator here? 7. Yahan par bhi 7. So yeah, it means the portion what you are making it will be taking as 7. Theek hai? Matlab 0/7. Who is Takshil Pal in your class? Shaurya Pal hai kya? Is he Shaurya Pal? जीरो बाय सेवन. सबसे पहले इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0/7 और हम लोग पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं. तो 0/7 के बाद आएगा क्या, 1/7, देन 2/7, देन 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड द 7/7. एंड इफ यू नीड 5/7 यू विल इनसर्कल इट 5/7, ठीक है. ये तो हो गया ना पॉजिटिव पोर्शन, ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव पोर्शन. नाउ मूविंग अहेड विद द नेगेटिव साइड, सो इफ यू आर मूविंग अहेड विद द नेगेटिव साइड, सेम पोर्शन विल बी देयर. इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7. वी विल इन सर्कल दिस टू, इसको नाम दे देंगे बी, इसको नाम दे देते हैं ए. Now tell me for this question, have you understood or not? Now if proper fraction, कोई भी proper fraction हो, you will start by this process only, ठीक है. Now you tell me, what do you think? Those who have understood, write down yes or why in the chat box, ठीक है. Why for yes वाला why है ना, write it down so that I can move ahead with the next question. Thank you very much Anjali, Supriya, सॉरी राहुल, अंकिता, ठीक है. सुप्रिया आप शायद अभी ज्वाइन की हो बेटा, आपने नॉर्मल एग्जांपल दूसरा जो हम नेगेटिव के फॉर्म में केवल लेते हैं. तो सपोज मैंने लिया एक नंबर -7/8, ठीक है, और ये इट कैन बी पॉजिटिव 7/8 ऑल्सो और इट कैन बी एनी नंबर, जस्ट हैव एनी नंबर. ये मत सोचना कि मैम जो चूज करे केवल वही नंबर इजी है. You can take any number with any denominator, ठीक है. बस ये याद रखो बहुत बड़े नंबर अगर आप लोगे तो
तो आपको बड़ी लंबी नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. और याद रखिएगा, एग्जाम में भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाता. इफ इट कम्स, इट गिव्स यू अ स्मॉलर नंबर ओनली, ताकि आपको बहुत बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ ना करनी पड़े. ठीक है? सो दे ऑल्सो गिव यू वेरी स्मॉल स्मॉल नंबर. ठीक है? सो आई टुक इट -7/8. सो वी विल हैव नंबर लाइन वेर वी विल गिव यू जीरो. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जीरो दे दिया सबसे पहले. And now the denominator is, remember, always we check the denominator. What is denominator here? So it's 8. So ye 0/8 se carry karega. Theek hai? Aap aage ya agar aap lete ho right side mein, then to it will be denominator as 8. If you take left hand side, then to denominator will be 8. And always remember, take equal divisions. Theek hai? Take always equal division. Don't take unequal divisions. Kahin chota, kahin bada. Don't take it. Take always equal division. So if you are talking about, sorry, number line, so if you are starting by 0/8, so yahan pe positive side mein badhenge, to ye ho jayega 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8. Isse zyada badhne ki zarurat nahi hai kyunki hame positive side chahiye hi nahi hai. But we will draw it as we are drawing the number line because. ठीक है? तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होते हैं. दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग इट. सो नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस साइड. इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8. नाउ व्हाट कैन वी राइट विथ -8/8? क्या लिख सकते हैं? अगर आपको याद होगा फ्रैक्शन में आई हैव टॉट यू. What should we write -8/8? One. One or -1, beta? One. -1. It will be -1, not one. We have -8/8, so it's -1. Okay? I said -1. हाँ हाँ नहीं नहीं you said -1, I know. किसी ने 8/1 भी बोला था ना, that I'm telling. So now remember one thing, beta. आप एक चीज गौर करिएगा. आप ये क्वेश्चन भी देखो, ये भी प्रॉपर था, ये भी प्रॉपर के फॉर्म में था बट नेगेटिव था, ये भी प्रॉपर था. तो ये रिमेम्बर ऑलवेज कि जब भी आप कोई प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हो रेशनल नंबर के फॉर्म में, यू आर इफ यू टेक प्रॉपर, तो रिमेम्बर ऑलवेज दे विल कम बिटवीन 0 to 1 ओनली और 0 to -1 ओनली. दे विल नॉट एक्सीड 1, क्योंकि आपने ये चीज क्लास 6 में भी पढ़ी है. ऑल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ग्रेटर देन 1. And all the proper fractions are less than one. ठीक है? They are the part of whole. तो हमेशा ये whole से कम आते हैं. ठीक है? हमेशा ये whole से कम आते हैं. They come always lesser than the whole number. ठीक है? तो ये हो गया आपके पास the number which I took all the numbers was, all the numbers were in proper fraction. Proper fraction ना? In proper मतलब उसमें proper fractions रहते. ठीक है? Now I'm taking improper fraction. IMPROPRE. ठीक है? So I am talking about now improper fractions. I'll let me take a screenshot over here. Yes, I took it. Now moving ahead with the next question here. So I am taking one example which is improper. Positive or negative, दोनों form में लेते हैं. ठीक है? So taking an example like ABC कर चुके हैं, now D. ठीक है? So let's have 3/2 in minus. ठीक है? एक नंबर ले लिया 3/2 in minus and I am taking one more number for E position, that will be suppose 7/11 positive में ले लिया. ठीक है? एक positive ले लिया, एक negative ले लिया. अब देखो दोनों के denominator different है, तो हम इनको दोनों को एक ही नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है? बिकॉज डिनोमिनेटर शुड बी सेम फॉर ड्रॉइंग ऑन सेम नंबर लाइन. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी विल ड्रॉ डिफरेंट नंबर लाइन फॉर दिस एंड डिफरेंट नंबर लाइन फॉर दिस. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद -3/2. आई विल ड्रॉ द नंबर लाइन. आई विल स्टार्ट बाय 0 ओनली. डिनोमिनेटर इज 2, तो यहाँ बनेगा 0/2. ठीक है? 0/2. So let's say 0/2, let's start from minus side, so it will give you -1/2, -2/2, -2/2 matlab -1, now -3/2, -4/2 matlab -2, same thing -5/2, then -6/2, that is -3. Okay?
बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे. इट विल गिव यू 1/2, इट विल गिव यू 2/2, 2/2 मतलब 1 whole. देन वी विल हैव 3/2, देन वी विल हैव 4/2, एंड देन वी विल हैव 5/2. आई हैव जस्ट टेकन इट फॉर शोइंग इट टू यू. ठीक है, पॉजिटिव साइड ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बिकॉज हम लोगों को नेगेटिव के नंबर चाहिए थे, बट कुछ नंबर आपको पॉजिटिव तरफ भी लिखने चाहिए. ठीक है, नाउ दिस वॉज द प्रोसेस. अब इसको देखो, इट वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. डू यू एग्री? इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. -3/2, ये तो इम्प्रॉपर था. डिनोमिनेटर इसमें छोटा है, न्यूमरेटर इसमें बड़ा है. अब आप इसमें देखो गौर से, ये 1 था, -1 था, या 1 था, जो भी लेते हो अगर आप. देखो ये 1 से लाइन से और एक्सीडेड कर दिया इसने, मतलब ये यहाँ पर और इज्जत पर आए हैं. 0 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है ये, इट इज मूविंग बियॉन्ड दैट. और अगर सेम थिंग अगर आप पॉजिटिव भी लेते तो 3/2, देखो यहाँ पर ये 1 से बियॉन्ड चला जाता. और अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए प्रॉपर वाले, वो सारे 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहे थे. ठीक है, सो दिस यू हैव टू टेक केयर कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, जब भी आप सॉल्यूशन करते हो या जब भी आप ड्रॉ करते हो, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आर यू गेटिंग द सेम नंबर, आर यू गेटिंग इन बिटवीन 0 to 1, और यू आर एक्सीडिंग 1. तो अगर पॉजिटिव, अगर यू आर हैविंग प्रॉपर, इट विल कम बिटवीन 0 to 1, एंड इफ इट इज इम्प्रॉपर, इट विल एक्सीड बाय 1. माइनस में और छोटा हो जाएगा, एंड पॉजिटिव में 1 से और बड़ा हो जाएगा. ठीक है, नाउ टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 7/11. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 7/11, द सेम प्रोसेस. नेगेटिव का थोड़ा सा कम बनाएंगे क्योंकि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा जाना है. सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 0 दे दिया, 0/11 आ गया, फिर 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11. मेरे में 9/11 तक जा रहा है, हो सकता है आपके में और ज्यादा चले जाए. ठीक है, बिकॉज माई बोर्ड इज नॉट टू मच वाइड, सो दिस इज देयर. एंड यहाँ पर अगर आपने लिया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1/11 एंड -2/11. नाउ वॉट डू यू थिंक? सो इज इट इजी प्रोसेस और इट इज द टफेस्ट प्रोसेस? टेल मी प्लीज, the easy process is this or the tough process is this? ye wala karna hai. Yes, please reply in the chat box. Have you understood? Should we move to any example which is in mixed fraction? I will request everyone to please write it down. Beta, noting mat karo abhi. Noting, don't note it down. I will send you the screenshot of everything. Please note it down that portion. Theek hai? Yes, I am moving ahead. I just want to ask Ananya, beta, aapka question mujhe samajh nahi aaya, beta. If will you speak, please? What you yes, want ma'am. To say? Yes, ma'am. Ma'am, I have understood the whole concept, but ma'am, the first example, ma'am, which is written on the board, ma'am, D1. Ma'am, here, ma'am, on a few negative fractions, ma'am, there are integers mentioned, negative Correct. Integers mentioned. So, ma'am, that concept, ma'am, I'm not able to. 1 minute. Aapne fractions padha hai, hai na? पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. उस फ्रैक्शंस में आपने ये चीजें पढ़ी है कि अगर आपने लिखा है 2/2, इसका मतलब क्या होता है? 1 whole होता है. 3/3 yes, का ma'am. मतलब कितना होता है? 1 whole होता है. अगर आपके पास -3/3 लिखा है तो उसको क्या पढ़ोगी? -1 पढ़ोगी. ठीक है, yes, अगर वही चीज मैंने -6/3 लिख दिया तो 3 1 3 2 6, यहाँ पर -2 पढ़ोगी. ठीक है, तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, तो नंबर लाइन आती कहाँ से? नंबर लाइन है क्या एक्चुअली में? नंबर लाइन इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन. कि आप किसी भी चीज को, याद रखो, किसी भी चीज को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. फ्रैक्शन मीन्स अल्टीमेटली अ पार्ट. ठीक है, और रेशनल नंबर कहाँ से? फ्रैक्शन से ही तो मिलकर बना है. फ्रैक्शन भी आते हैं उसमें, नॉर्मल नंबर भी आते हैं. तो नॉर्मल नंबर तो हमने बहुत डील किया है. ठीक है, हम लोगों नेगेटिव फ्रैक्शन बहुत बहुत रेयर ही अभी स्टार्ट किया हमने डील करना, है ना? तो ऑलवेज रिमेम्बर, फ्रैक्शन अल्टीमेटली है क्या? फ्रैक्शन मीन्स
कि आप किसी भी चीज के कितने भी पार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास अगर एक केक है तो उसको आप 50 लोगों में बांट सकते हो, आप 2 लोगों में बांट सकते हो, ये आपकी विश पे डिपेंड करता है और आपकी नेसेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपको उस समय कितना चाहिए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली नंबर लाइन आपको ये शो कर रही है कि आपके पास इतनी बड़ी नंबर लाइन है, ठीक है, जो कि एंडलेस है। आपको पता है एंडलेस क्यों है, कि आप इससे कितने भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपने चेक किया होगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 3 है तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमारा डिनोमिनेटर 2 है तो हम 2 पार्ट लेके चलते हैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर 15 होता तो हम स्टार्ट 0/15 से करते, मतलब हम किसी चीज के किसी नंबर के 15 पार्ट बना रहे हैं। आप अगर गौर से देखो यहाँ पर आ रहे हैं 1/15, 2/15, 3/15, तो इसका होल क्या होगा, 15/15 ना। तो जब एक समय ऐसा आएगा जब आपको यहाँ पर 15/15 मिलेगा तो आप 15/15 को 15/15 ही लिखोगे, लेकिन ऊपर आप उसको एक एज अ होल नंबर शो करोगे दैट यू हैव 1। यहाँ पर माइनस आएगा हालांकि बिकॉज वी आर मूविंग ऑन माइनस साइन, ठीक है। तो इट विल गिव यू माइनस 15/15 और जहां पर वो माइनस 15/15 आएगा वहां पर आप 1 होल लिखोगी। 1 होल ये शो कर रहा है कि आपने इन 2 पार्ट्स के बीच में टोटल 15 पार्ट्स किए हैं, ठीक है, टोटल 15 पार्ट्स किए हैं आपने, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर सेम चीज अगर पॉजिटिव में होता तो आप यही चीज पॉजिटिव में करते, ठीक है। आई होप नाउ आई शुड मूव अहेड विद एन मिक्स्ड फ्रैक्शंस नाउ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस बिल्कुल वही सिंपल प्रोसेस है, बस एक चीज है जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू यू टूडे। सपोज यू हैव अ नंबर दिस और सेम नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। बेटा हमेशा याद रखो नेगेटिव के लगे होने का मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप उसको QRD में सॉल्व करो तो वो कुछ और प्रोसेस को सॉल्व कर लेगा, बिल्कुल नहीं। आप भूल जाओ कि ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये अलग है, ये इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली नेगेटिव, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो बिना नेगेटिव को देखे, याद रखो कभी भी नेगेटिव को जब हम नंबर लाइन में शो करते तभी ध्यान में रखा जाता है, शुरुआत में क्या नंबर है उससे मतलब नहीं है ना। इसको छोड़ दिया मैंने, 3 3 9, 9 2 11, यहाँ पर आ गया 11/3 और यहाँ पर भी आएगा 11/3, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। बस कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, आई एम टेलिंग यू द करेक्ट प्रोसेस जो कि बच्चों ने की है एंड मेजरली बहुत ज्यादा बच्चों ने की थी, ठीक है, लास्ट ईयर। -3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, दे विल गिव यू 3 3 9, तो इट विल गिव यू -9 एंड दिस इज +2 क्योंकि ऊपर वाला एड किया जाता है, देन दे राइट दिस एंड दे गेट इट -7/3। द लॉजिक इज वेरी करेक्ट, आई एम नॉट टेलिंग लाइक ये लॉजिक रॉन्ग है, बिल्कुल सही लॉजिक है, बट वो माइनस लेके चल रहे हैं, माइनस इज ओनली रिप्रेजेंटिंग इट, माइनस उसका साइन नहीं है होल नंबर का, ठीक है, ये बाद का है, इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग कि वो नेगेटिव साइड पर है बस। और वो इसको आपको माइनस ले लेना, दैट विल बी रॉन्ग एंड विल गिव यू द रॉन्ग नंबर। देखो यहाँ पे 11/3 आ रहा है, यहाँ पे 7/3 आ रहा है, ठीक है, विच विल बी द एब्सोल्यूटली रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। समबडी विद द नेम देवेश सिंह 3rd C ज्वाइनिंग, एंड जब तक आप लोग रीनेम नहीं करेंगे आई विल नॉट लेट यू इन, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। सो प्लीज टेक केयर वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग, यू शुड ज्वाइन विद द करेक्ट नेम, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू इन, आई एम टेलिंग यू प्लीज, ठीक है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई विल टेकिंग इट, बट इफ यू आर कनेक्टेड विद डिफरेंट नेम्स आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट, सॉरी। So whenever you are joining, please take care of your name, what you are joining with. ठीक है, so I said the number is 3 minus 3 whole 2/3. जब आप solve करोगे तो ये आ जाएगा 11/3, वो भी negative में। अब आप गौर से देखो ये बिल्कुल वही process बन गया बेटा जो हम लोगों ने अभी improper के लिए की थी, बस एक step बढ़ा कि आपने उसको mixed से improper में convert कर दिया, that's it। बस वही काम करोगे, number line draw करोगे, बीच में लिखोगे आप 0, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो ये डिनोमिनेटर 3 के साथ शुरू होगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइड जाएगा 1/3, 2/3, सॉरी नेगेटिव साइड -3/3, तो यहाँ पर नाम दे देंगे हम -1 होल, ठीक है, यहाँ पर बढ़ेंगे अब, सॉरी ये हमारा नेगेटिव था ना, आई हैव टेकन इट बड़ी छोटी वाली नंबर लाइन ना, यहाँ पर बीच में आएगा, सो दिस इज 0/3। Now this will be -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, मेरी वाले मुझे नहीं लगता कि बेटा बहुत ज्यादा जाएगा,
but you can draw it please. Huh? Minus 8 by 3, it is not going. I am writing very closer then to it will not go. But you understand how it will go. Okay, how will we do it? It will be just a simple process. आप उसको 11 upon 3 तक लेके जाओगे, ठीक है? You will take it till 11 upon 3 in negative sign and जैसे ही आपको मिल जाएगा, just make it a mark that ऊपर इसपे A या B लिखकर. Now, have you understood or I take any other example in negative form? Please tell me. Should I take any other example for mixed fraction or have you understood? Please reply in the chat box, please. Okay, Ananya says understood. Yes, Ananya says yes. Okay, I'm taking any other example. Okay, so it's because ye number thoda zyada bada ho gaya, so that is why it is not coming on this one. Let's say we have a number like minus 2 whole 1 by 5. Okay, ye bhi wahi number aayega. Isko 1 le lete hain. Okay, suppose you have a number like this. चलो ये ले लेते हैं, ठीक है? So when you will solve it, it will give you 3 2s are 6 6 1 7 7 upon 3, वो भी in negative form, ठीक है? सबसे पहले उसको हम convert करेंगे. When we have converted, we have got this. After converting, we will start drawing on number line. So let's have it this. In between we will have 0. Denominator will be 3 because we have 3 here in denominator. So सबसे पहले शुरू करेंगे 3 से. Now we have minus 7 upon 3. So, sabse pehle start by minus 1 upon 3, then minus 2 upon 3, minus 3 upon 3, minus 4 upon 3, minus 5 upon 3, minus 6 upon 3, minus 7 upon 3 tak hi ja raha hai keval, ha? So, hume minus 7 upon 3 hi chahiye. So, I will mark this one. I'll give point A. Positive side mein bhi kuch show kar dete hain. This will be minus plus 1 upon 3, 2 upon 3. 3 upon 3, 4 upon 3, 5 upon 3, 6 upon 3. 6 upon 3 matlab 2 whole, ye minus 1 whole, and this is 2 whole. Now tell me, is it understood or not? Please reply in the chat box by yes or no. By yes or no, please write it down in the chat box. Please try to reply in the chat box because it will be easier for me to understand and write this written part also. I'll get it. Are you understanding it or not? Thank you very much. Abhi tak I have got all yes. It means you have understood the process. Good. Thank you very much, Vita. So now we are moving ahead. The next one, which is a very important question. Hum log jo bhi padh rahe hain, वैसे वो सब कुछ important ही है. But I am taking now. I mean, the last what you have written? Where, beta? Minus 7 upon 3. And upar A likha hua hai. Because we are marking, we are representing it. Hai na? So I am moving ahead with the next topic. Now I'll request everyone to write it down the heading. Finding rational numbers between any two rational numbers. Finding rational numbers between any two rational numbers. उसके बाद we will discuss the next procedure जितना आज हो पाता है, ठीक है? Now ये process भी बहुत ज़्यादा tough नहीं है. I'll explain it to you. You will understand it very clearly. बेटा याद रखिएगा, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कोई भी चैप्टर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इफ यू मिस द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चैप्टर, आप कितना भी उसके साथ मेहनत कर लो लास्ट तक, वो आपको ना कहीं गैप देख करके ही जाएगा. और इफ यू अटेंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर, तो अगर आप बीच में एक दो क्लास मिस भी कर देते हो ना, तो आप जब शुरू करोगे उस क्लास को दोबारा देखोगे, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी जो कि बीच में आपने मिस की थी, ठीक है? तो नेवर मिस an introduction of any chapter. Remember this part. Okay? Chalo. So I am moving ahead with finding rational number between any two rational number. Hai na? So finding rational numbers
between. ठीक है, finding rational numbers in between. This is the heading. Please note it down. Just let me open the door. Who is there? So let's have it one thing here. अभी सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो रेशनल नंबर, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर विद द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, यू कैन इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन. ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया भी था कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि केक आपके पास है. ठीक है, अगर आपके पास दो लोग हैं तो आप दो लोगों में भी केक को बांट सकते हो, अगर आपके पास 100 लोग भी आ जाएंगे तो भी आप बांट सकते हो. जस्ट एक कंडीशन होगी कि उनको थोड़ा मिलेगा. ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज आप कितने लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं और कितना बांटना चाहते हैं. ठीक है, सेम थिंग अगर आपकी क्लास में, अगर आपको एग्जाम्पल लिख लें कि आपकी क्लास में सपोज 30 बच्चे 40 बच्चे है ना, हाँ 30 बच्चे हैं अपनी क्लास में, 40 बच्चे, अब आप लोग सबके साथ लंच तो शेयर नहीं करते ना. कभी आपके फ्रेंड्स 3 होते हैं जिनके साथ आप बैठ के करते हो, कभी आपके फ्रेंड्स 12 होते हैं जिनके साथ आप बैठ के लंच करते हो, और उन्हीं बच्चों को वही टिफिन शेयर करते हो, कभी 3 बच्चों के साथ कभी 12 बच्चों के साथ. तो रिमेम्बर, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा कि यू कैन इन बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, है ना, कितने लोगों के बीच में आप कोई चीज शेयर करना चाहते हो या निकालना चाहते हो. ठीक है, तो रिमेम्बर कोई भी दो नंबर है हमारे पास, इफ यू हैव 1 और 2 और इफ यू हैव 2/3 एंड 5/8 और इफ यू हैव नंबर -2/11 और इफ यू हैव एनी नंबर 5/8, कोई भी दो नंबर हो, और यू टेक 0.3 और यू टेक 1.2, कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से एनी नंबर जो आपके दिमाग में आता है, उलझुल जो भी नंबर. ठीक है, कुछ भी लिख दो. ठीक है, क्योंकि हर नंबर रेशनल नंबर से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है. नाउ यू कैन टेक एनी नंबर विच इज रेशनल, आई एम टॉकिंग, आई एम मेंशनिंग इट, यू कैन टेक एनी नंबर विच इज रेशनल नंबर एंड इफ यू हैव टू रेशनल नंबर्स, रिमेंबर यू कैन इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर्स. देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स एंड दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स विच यूजुअली कम्स और समटाइम्स इट कम्स इन वन वर्ड ओनली. पहले आप मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू रेशनल नंबर्स एंड प्लीज इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दो नंबर दिए हुए थे एंड दिस क्वेश्चन वॉज अ 4 मार्क्स. ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज अ 4 मार्क्स. तो रिमेम्बर उसमें एक मार्क्स तो केवल यही पूछ लिया था आपसे कि कितने नंबर्स इंसर्ट हो सकते हैं. तो रिमेम्बर किसी भी नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर पुट अप कर सकते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. ठीक है, सबसे पहली लाइन ये. नाउ लेट्स सी द प्रोसेस हाउ कैन वी डू दैट. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द प्रोसेस नाउ हाउ विल वी डू दैट. आई एम रबिंग दिस वन नाउ. सबसे पहले आपको मैं बता चुकी हूँ इट विल बी इनफाइनाइट नंबर्स, तो ये अपने कॉन्सेप्ट में रखिएगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं तो आपके नोट्स में आ जाएगा. देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, नंबर्स इन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि हमारे पास कोई भी टू रेशनल नंबर हो, भले वो देख ना रहा हो कि उसके बीच में कोई भी नंबर आएगा, बट रिमेंबर ऑलवेज दैट देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स. ठीक है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स. ठीक है, सो नाउ लेट्स से हाउ टू डू दैट. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू बाय द प्रोसेस नाउ. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट बुक से लेते हैं. ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग नाउ इट इज गिविंग अस अ क्वेश्चन -2 and -1. सपोज सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लिया. ठीक है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. तो सबसे पहला एक काम ये करना चाहिए बेटा कि हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसी भी चीज को बांटने की, है ना, उसके बीच में कितनी चीजों के बीच में शेयर कर सकते हैं उसकी.
तो सबसे पहले उसको डिनोमिनेटर देना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, तो कौन होता है? वन। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि कोई भी नंबर दिया हो उसका डिनोमिनेटर उसको जरूर प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर दिया है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, बट अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि हम उसको डिनोमिनेटर दे दें, ठीक है। और आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक होता है, सबका मालिक एक। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? वन। सबसे पहला काम मैंने ये किया। आफ्टर दिस नाउ चूज एनी नंबर जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, जिसको आप इजिली डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास वन है, वन से तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। तो आप एक ग्रेटर नंबर चूज करो, कोई भी ग्रेटर नंबर, इट कैन बी 10, इट कैन बी 50, इट कैन बी 30, इट कैन बी 50 और इट कैन बी 100, जिससे आप इसको डिनोमिनेटर से शो कर सकते हो, ठीक है। आपने एक चीज और पढ़ी थी कि हम किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर और पूरे फ्रैक्शन में या पूरे रेशनल नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर चेंज करना चाहें तो हमको बस ये करना है कि जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज आई एम टेकिंग 100, हम सीधे 100 ले लेते हैं, ठीक है। आप देखो ये नंबर मेरा बन जाएगा -100/100, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -200/100। Do you agree? ये वाला स्टेप समझ में आया? देखो अभी जो हमारा नंबर था बेटा वो था -1 और -2, उसके बीच में हम नंबर्स नहीं निकाल सकते थे। बट अगर अब इसको देखो आप, अब हमारे पास एक नंबर बन गया है 100, ऊपर टॉप में देखो एक नंबर बन गया 100 और एक नंबर बन गया 200, और आपको पता है 100 से 200 के बीच में देर आर 99 नंबर्स। Do you agree? 99 नंबर, और हमें 5 नंबर चाहिए केवल। क्वेश्चन आता है 5 नंबर निकालने के लिए, 3 नंबर निकालने के लिए, 2 निकालने के लिए। समटाइम्स रेयर कंडीशन होगी जो 9-10 आएगा, अदरवाइज जनरली 5 ही पूछता है, ठीक है। अब तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड नंबर है, कितने भी इंसर्ट कर लो। नाउ सी, यहाँ 100 है, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पर मान लो आपके पास 100, 1/100, -100, 2/100, -100, 3/100, -105/100, ये सीरीज इतनी लंबी जाएगी आपको 99 नंबर दे देगी, ठीक है। अब याद रखना जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 99 नंबर ही आएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 1000 लिया होता, आपको से दिमाग लगाओ, अगर मैंने यहाँ पे 1000 लिया होता तब हमारे बीच में कितने नंबर आते? 999, ठीक है। और अगर मैंने 10,000 ले लिया होता तो जस्ट डिपेंडिंग कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं कितने लोगों पे उसको बांटना चाहती हूँ, ठीक है। So remember, this always gives you unlimited numbers, n number of numbers which you wanted according to your wish. ठीक है? I believe you have understood. Yes or no? Yes, we have understood. Now, okay. Now I am taking any other example. ठीक है? अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो दूसरे example से समझ में आ जाएगा, ठीक है? So let's say we are talking about a number which is given in the book. I am taking here -4/5 and ek number hai -2/3. This is also the book, question from your book and this will be last question of today. Theek hai? So it's -4/5, -2/3. Ab dekho us question mein to beta denominator tha hi nahi aur dusra denominator tha bhi to common denominator tha, that was 1. Theek hai? But agar hamare paas aisa koi question mil jaye jisme denominator different ho jaye, theek hai? तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, इसका डिनोमिनेटर हमें कॉमन बनाना है। कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5 3 15 आएगा इसका डिनोमिनेटर, जब आप एलसीएम लोगे तो इट विल गिव यू 15, ठीक है। अब आप कोई नंबर ऐसा सोचो जो कि 15 से मिलता जुलता हो, या 15 के टेबल में आता हो, या 15 से बड़ा हो, जो कि 15 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ इट एंड गिव मी एनी लार्ज नंबर, डोंट गिव मी वेरी स्मॉल नंबर प्लीज। हाँ, गिव मी एनी लार्ज नंबर, प्लीज टेल मी what do you think which number can be taking the place here on the multiple of 15? Tell me faster, write it down in the chat box please. What do you think? Okay, Amit says 90, or Amit ke alawa kisi ka dimag chal raha hai? Jaldi se karo, fatafat jaldi se. Supriya ne bhi likha hai, okay.
राहुल ने 300 लिखा है. राहुल आई लाइक योर नंबर. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई लाइक द नंबर ऑफ राहुल. बिकॉज राहुल ने दिया जीरो वाला नंबर 300. देखो हमेशा चूज करो वो नंबर जो दिखने में भी इजी हो और निकालने में भी इजी हो. देखो मैंने 100 क्यों लिया. आई कैन टेक एनी नंबर. हम तो 40 भी ले सकते थे, 20 भी ले सकते थे, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो वही आएगा. सो रिमेंबर ट्राई टू टेक द नंबर विच इज इजी फॉर यू. 15 था. सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 15 बनाएंगे. कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो 5 है, ये भी नंबर इसको ले लिया, माइनस 2/3 है. राहुल ने बोला कि हमें क्या चाहिए 300 नंबर. तो 5 से ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 300 मिले. जस्ट थिंक ऑफ इट, बाय विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट 300. थिंक ऑफ इट, व्हाट विल बी द नंबर? 60. और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट इट 300. एंड रिमेंबर वी विल ऑलवेज मेक द कॉमन डिनोमिनेटर. वी विल ऑलवेज मेक द कॉमन डिनोमिनेटर. सो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया इट विल गिव यू माइनस 240/300. ठीक है. और हम जब उसको सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू माइनस 200/300. देखो आ गया डिनोमिनेटर सेम. ये भी 300 है, ये भी 300 है, ये 240 है, ये 200 है. इसके बीच में 39 नंबर्स आएंगे. 39 नंबर्स और हमें चाहिए कितने, केवल 5. ठीक है. रिमेंबर ट्राई टू चूज ऑलवेज द नंबर विच इज ग्रेटर. ठीक है. और हमेशा एलसीएम निकालने के बाद उसका कोई ना कोई मल्टीपल लीजिएगा. ठीक है. ऑलवेज टेक मल्टीपल ऑफ इट. क्योंकि आप मल्टीपल, वाई बी मल्टीपल, बिकॉज ये इसी से आया है नीचे से. तो आप कोई भी नंबर चूज नहीं कर सकते. यू हैव टू चूज द नंबर वेरी पर्टिकुलरली. पहले निकालोगे एलसीएम और उस एलसीएम का कोई भी मल्टीपल आप लेंगे ताकि आप इजिली उसको निकाल सको. आर यू गेटिंग? यस और नो प्लीज राइट इट डाउन. यस और नो, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर. अगर नहीं हुआ होगा देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो दिस टॉपिक. प्लीज मेंशन. Write it down in the chat box, please. Yes or no? Yes, Ananya, both of them should be multiple, beta. दोनों तरफ multiple ही आएगा. जब आप LCM निकाल लोगे ना और LCM का multiple लोगे तो आपको दोनों तरफ से number मिल जाएगा फिर, क्योंकि आपने LCM से choose किया है. ठीक है. No problem. We will discuss in the next class. दोबारा discuss कर लेंगे इसको. बस I am writing the number. 200 है, 240 तक जाना है. So it can be 201, it can be 202, it can be 203 upon 300, upon 300, upon 300, and यहाँ पर minus 204 upon 300, minus 205 upon 300. ठीक है. I have done it, but if you have not understood, no problem. We will take this type of numbers in the next class also. एक question समझा देंगे उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास, इट मींस ऑन सैटरडे. फाइन. एक्सक्यूज मी मैम. यस प्लीज. दोस मैम अंडरस्टूड व्हाट यू आर डूइंग? क्यों बेटा ख्याति, आप क्लास में शुरू से नहीं थे? नो मैम, एक्चुअली आई हैव जॉइंड राइट नाउ ओनली एंड अ फ्यू मिनट्स अगो. तो फिर कैसे पता चलेगा? जस्ट सी द रिकॉर्डिंग, यू विल गेट एवरीथिंग कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है. ठीक है. यू वी हैव डन